चलिए एगलेस क्रिसमस केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक कप दूध ली हूँ। दूध हमारा हल्का सा गुनगुना है। इसके अंदर हम आधे नींबू का रस डालेंगे। और इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हमें इसे साइड में रखना है। तो आइए दूसरे प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने एक वाटी ब्राउन शुगर ली हूँ। ये आपको केक की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। दो चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच जायफल पाउडर, आधा चम्मच अदरक का पाउडर, इसे सोट का पाउडर भी बोलते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कप बटर डालेंगे। मेल्टेड बटर। दो चम्मच हनी यानी शहद, इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दूध डालेंगे। दूध हमारा फटना ही चाहिए। अभी इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप लेमन की जगह पे दूध में विनेगर भी डाल सकते हैं। 3 से 4 बूंद वेनिला एसेंट डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑरेंज जूस। ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अभी इसे हम एक साइड में रख देंगे और दूसरे प्रोसीजर अभी हम इसे साइड में रख देंगे। 1.5 कप मैंने मैदे का आटा ली हूँ। ये जो कप बाजू में रखा हुआ है वही कप से मैंने 1.5 कप मैदे का आटा ली हूँ। आधा चम्मच बेकिंग सोडा ये चम्मच से, और ये चम्मच से 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। इसे छान लेंगे। पिछले टाइम मैंने जब केक बनाई थी तो बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि आप मेजरमेंट बराबर बताइए, तो अभी देखिए मैं बराबर ही बता रही हूँ। एक वाटी काजू इस तरह से कटिंग करके डालेंगे। एक वाटी अखरोट के इस तरह के टुकड़े हम करके डालेंगे। एक वाटी टूटी फूटी, एक वाटी किशमिश, एक वाटी ब्लैक किशमिश, इसे मैं ब्लैक किशमिश ही बोलती हूँ। अभी आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। एक वाटी चेरी को मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। इन सबको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम ये हमारा जो घोल बना के रखे थे वो इसमें डालेंगे। पहले एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
अभी इसे अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के बाद में हम इसे साइड में रखेंगे। इस तरह का एक केक का डब्बा लेंगे। अगर आपके पास में ये डब्बा नहीं है तो आप कुकर का डब्बा भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी स्टील का टोप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बटर मैं इसमें ऐसे हाथों से ही घुमाऊंगी। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से घुमाइए, हाथों से घुमाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बटर पेपर को मैंने इस तरह से गोल में कटिंग कर ली हूँ और ये हम ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। चारों बाजू से अच्छे से इसे ऐसे और हल्का सा बटर मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी। केक निकालने में हमें आसानी पड़े। अभी ये हमारा केक का बैटर हम इसमें डालेंगे। मेरे बाजू में, घर के बाजू में चर्च है। आप लोगों को चर्च के अंदर प्रे हो रहा है, आप लोगों को आवाज़ तो आ रही रहेगी। एकदम मेरी दीवार और चर्च की दीवार एकदम एक ही है। और मेरी तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। अल्लाह आप लोगों का हर साल अच्छा रखे, खुश रखे। 2021 अल्लाह करे सबका अच्छा जाए, हमारा, तुम्हारा, सबका। ऐसे आराम से सब डालेंगे और इसे ऐसे अच्छे से प्लेन कर दीजिए। एक बार ऐसे हम, क्योंकि इसमें जितने भी बबल अगर जमे रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। ये बंगड़ी की आवाज़ बहुत आती है। तो इधर पे मैंने एक इस तरह का टोप ली हूँ। टोप में मैंने नमक डाली हूँ थोड़ा सा, यानी जैसे कि 1.25 किलो तक नमक मैंने डाली हूँ और एक जाली रखी हूँ। और मैंने इसे 10 मिनट पहला ही गर्म होने के लिए रख दी थी मीडियम गैस पे। तो अभी ये अभी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अभी ये जो हमारे केक का डब्बा है ये हम इसमें रखेंगे। आराम से, ध्यान से रखना, हाथ को चटका वगैरह नहीं लगना चाहिए। एकदम बीचों बीच हमने रख दिए इसे। अभी इसे हम ढक देंगे। अभी हमें इसे 10 मिनट तक का फुल गैस पे पकाना है और 10 मिनट बाद हमें स्लो गैस पे इसे 10 मिनट और स्लो गैस पे पकाना है। पहले 10 मिनट फुल गैस पे, फिर 10 मिनट स्लो गैस पे। कम से कम हम आधा घंटा पूरा केक को पकाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारा केक रेडी हुआ है क्या। तो इस तरह से चाकू लेंगे और इसे चेक करेंगे। तो ये हमारी जो चाकू है अच्छी तरह से साफ निकल रही है, यानी हमारा केक रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे और केक को निकाल लेंगे। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद ही हम केक को निकालेंगे बाहर। तो केक अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अभी हम एक चाकू की मदद से केक को ऐसे ढीला कर लेंगे चारों बाजू से। तो इस तरह की एक प्लेट लेंगे, ऐसे करके हम ऐसे।
तो ये देखिए, ये बटर पेपर को हम निकाल देंगे। तो ये देखिए केक एकदम अच्छा बना है। फैन लगा कर तो ये देखिए केक कितना मस्त बना है हमारा। ये देखिए मैं साइड भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए एकदम बराबर से हमारा केक बना है। अगर आपको ऐसे रख के काटना है तो ऐसे भी काट सकते हैं, अगर आपको ऐसे करके काटना है तो ऐसे भी आप इसे काट सकते हैं, मगर मुझे ज़्यादा बेटर इसी तरफ से लग रहा है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए कितना बेहतरीन केक बना है। तो अभी हम इसे कटिंग कर लेंगे।